जवाबदार छे। आवी परिस्थिति में आपे कह्युं के नेटो देशों छे तेओ सीधी रीते अत्यारे सामे नहीं आवे, युक्रेन ज कार्यवाही करशे आगळनी जवाबी कार्यवाही। परंतु जे रीते सैन्य शक्तिनी वात करीए तो युक्रेन आ जवाबी कार्यवाही करवा एटलू सक्षम बनी शकशे खरा? કારણ કે યુક્રેન પણ નાનું રાષ્ટ્ર નથી, એક ક્ષેત્રફળની રીતે જોવો તો યુરોપનું બીજું સૌથી રાષ્ટ્ર છે, તેના જે પ્રમુખ છે એ પણ ખૂબ ત્યાંનો મજબૂત જનાધાર અને જન સમર્થન ધરાવે છે। એમણે પણ એમના રક્ષણાત્મક સ્ટેપ્સ ઘણા મજબૂતાઈથી લીધા હતા। એમણે આજે ગયા શુક્રવારે જર્મનીના મ્યુનિકમાં જે સિક્યુરિટી કાઉન્સિલની મીટિંગ થઈ ત્યાં એણે ત્યાં સુધી કહી દીધું કે યુક્રેન છે આર ધ ગાર્ડિયન્સ ઓફ ધ યુરોપ, તેમ કરીને બધા યુરોપના દેશોને પણ એક સાથે લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેમાં જર્મની અને બીજા કેટલાય દેશો એની સાથે થયા છે। અને ગઈકાલે એમણે તેના રિઝર્વિસ્ટ એટલે જે સેવાનિવૃત્ત અથવા સ્વેચ્છાએ વોલેન્ટિયર મિલિટરી સર્વિસ કરવા માંગતા હોય એ લોકોને પણ કોલ આપીને રાષ્ટ્રરક્ષા માટે બોલાવી લીધા છે, એક વર્ષની મિનિમમ સર્વિસ માટે। એટલે એ જાણે છે કે ઘણું બધું આ લાંબુ કામ થવાનું છે, યુદ્ધનું પરિણામ જેટલું પણ આવે એટલું પણ આવે, પણ આ એક મોટું કામ રહેવાનું છે। એટલે આપણે એક મજબૂત રેસિસ્ટન્સ તો જોશું જ, નજીકના ભૂતકાળમાં અમુક લડાઈઓ આપણે જોઈ જેમાં તાલિબાનનું ટેક ઓવર હોય અથવા સદ્દામ હુસેન ગલ્ફ કન્ટ્રી હોય ત્યાં જે ઘૂંટણીએ પડી ગયા એવું કદાચ જોવા નહીં મળે, સિવાય કે બ્લિટ્ઝક્રિગ પ્રકારનો એકદમ ઝડપનો અટેક રશિયા કરે તો ભલે, બાકી અને અમેરિકા સાવ સપોર્ટ ના કરે તો, અથવા યુક્રેન મજબૂતાઈથી લડશે ચોક્કસ। ઓકે કેપ્ટન જયદેવભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો, છેલ્લી અપડેટ્સ જોઈ લઈએ। રાજધાની કીવમાં મોટો બ્લાસ્ટ થયો છે, સાથે જ કીવના એરપોર્ટ ઉપર પણ રશિયાએ કબજો કર્યાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। પુતિને જે કહ્યું કે આજ સુધી નથી થયું તે હવે થશે, છેલ્લી અપડેટ્સ જોઈ લઈએ। मिसाइल अटैक किया गया है, कीव खार्किव मारियोपोल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जबरदस्त धमाका वहां पर हुआ है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आप तो रशिया और यूक्रेन के जो रिलेशंस है, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं, एक थिंक टैंक के तौर पर अभी स्थिति को अगर आप समझाएं, एक तरफ जहां पर रशिया ये कहता है कि अमेरिका उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, आप जो बाइडेन ये कहते हैं कि अगर नरसंहार होता है या युद्ध की स्थिति बनती है तो उसके लिए सीधे सीधे रूस जिम्मेदार होगा, तबाही के लिए रूस जिम्मेदार होगा, इस तबाही को रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? ना रशिया कर रहा है, ना ही अमेरिका, बाकी नेटो देश कर रहे हैं। कुल मिला के ये तो पावर गेम है, अधिकारों की रक्षा तो ये नजर ही नहीं आ रही। बिल्कुल आपने सही कहा कि आखिर कोशिश कौन कर रहा है इस तबाही को रोकने के लिए। दरअसल दोनों महाशक्तियां कोशिश की नजर करते नहीं आ रही हैं, क्योंकि दोनों के जो हित हैं वो डायरेक्ट यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन रशिया के ग्रेटर रशिया का जो प्लान है पुतिन का जो एक रशिया को एक एम्पायर बनाने का जो सपना है ये उसका बहुत अहम हिस्सा है। और डॉक्टर त्रिपाठी, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर हमारे सामने है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से, यूक्रेन पर रूस के अब ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं, मानव रहित ड्रोन TB2 से यूक्रेन पर हमला बोल दिया गया है, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। 6 शहरों पर मिसाइल अटैक, कीव एयरपोर्ट पर कब्जा, और अब मीडिया रिपोर्ट के हवाले से एक और बड़ी खबर, ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं, मानव रहित ड्रोन से एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है। यानी थोड़ी देर पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संबोधन होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि यूक्रेन की सेना अपने हथियार डाल दे और घर वापस लौट जाए, लेकिन ये जो कदम उठाया जा रहा है, एक के बाद एक जो अटैक किए जा रहे हैं, ये इरादे रूस के तो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरेंडर देने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहते पुतिन। और पुतिन का एक तरफ संबोधन होता है और दूसरी तरफ यूक्रेन के तमाम शहरों को रशियन फोर्सेस निशाना बनाना शुरू कर देती हैं, और ताजा खबर यह है कि अब मानव रहित ड्रोन से अटैक।